हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो हम बात करेंगे, सीखेंगे कि जो आरसीसी वर्क होती है, आरसीसी की वाल होती है, जिस टाइम पे वो कास्टिंग होती है तो उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो देखिए, ये अभी फर्स्ट लिफ्ट जो है कास्ट हो रही है, तो इसमें जो शटरिंग हमने लगाई है, ये जो शटरिंग है ये आप लोगों ने चाहे लोहे की है या फिर प्लाईवुड की है, तो वो पहले आपने साउल से चेक कर लेना। साउल से क्या है, यहाँ पर आपने साउल लगा के ये पूरा साउल से चेक कर लेना, ये शटरिंग में सूत में है, साउल में है या नहीं है, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग खोलने के बाद उसको चेक करोगे तो अगर वो ज़्यादा है तो आपको चीपिंग करनी पड़ेगी, और इसमें प्रॉपर आपको वाइब्रेटर या फिर इसमें सरिया मार के और कर देना, क्या कि वो हनीकम वगैरह ना हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सरिया मारना और वाइब्रेटर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हनीकम होके ये फिर आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, आप प्रॉपर उसमें नहीं करोगे। और एक आपका जो भी है जो स्टील है, इसमें आपकी जो भी डायमेंशन हो, जैसे आपका 600 का है तो सेंटर टू सेंटर इसकी जो ये है, जैसे एक सरिया से दूसरा सरिया जो है उसके जो अपने डायमेंशन जो दी गई है ड्राइंग में, जैसे इसका 600 है तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक सेंटर तक ये 600 है, डबल सरिया है। ठीक है, ये भी 600 600, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप साइड पर हो, इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि शटरिंग लगाते टाइम आपको एक तो साउल से चेक करना है कि आपकी जो शटरिंग है, अगर आपकी शटरिंग साउल में होगी तो आपकी जो अंदर की जो दीवार है वो भी साउल में सीधी ही बनेगी, अगर आपकी स्ट्रिंग इधर उधर भागी हुई है तो क्या है, आपकी दीवार भी दिक्कत करेगी, आपको फिर वो चीपिंग के प्लास्टर में उसको मेकअप करना पड़ेगा, तो जिससे क्या है खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको पहले ही कंक्रीट कास्टिंग से पहले ही शटरिंग साउल से चेक कर लेनी है, प्रॉपर उसमें वाइब्रेटर चलाना है, और ये जो आपका सरिया जो होता है उसका जो भी है होता है सेंटर टू सेंटर, वो आपको चेक कर लेना, चाहे आपको 300 का है, चाहे आपको 600 का है, चाहे 800 का है, जो भी आपको गिवन है ड्राइंग में वो देख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये था, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।